हेलो गाइस, टुडेस टॉपिक इज इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, द कंटिन्यूशन ऑफ माय प्रीवियस लेक्चर. इन माय प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन? राइट नाउ टुडे आई एम डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द इफेक्ट्स. व्हाट डू यू थिंक? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने की तो ऑब्वियसली बात है कि कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी पर बैड इफेक्ट्स पड़ते हैं. जैसे कि ओवर पॉपुलेशन सबसे बड़ा तो यही इफेक्ट है. जनसंख्या का साइज इतना बढ़ता है, हमारी अभी कंट्री की जनसंख्या है कितनी, 130 करोड़, और इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बाद कितनी सारी हमारे साथ प्रॉब्लम्स हो रही हैं. एवरीबॉडी इज़ वेरी फैमिलियर अबाउट दिस कि व्हाट आर द बेसिक इम्पैक्ट्स एंड द इफेक्ट्स ऑफ दिस पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन अ कंट्री. एवरीबॉडी इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम. सेकेंड प्रॉब्लम, जैसी पॉपुलेशन बढ़ती है तो प्रॉब्लम आती है अनएम्प्लॉयमेंट की, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, क्योंकि एक ही जॉब के लिए नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स आर टू मच. तो एम्प्लॉयर इज स्क्रीनिंग इन अ वेरी ग्रिलिंग इन अ प्रॉपर वे, है ना, ही इज एनालाइजिंग ईच एंड एवरी. और एम्प्लॉयर की एफर्ट्स क्या होता है, एट अ लोएस्ट कॉस्ट मैक्सिमम उसको कोई स्किल्स या अच्छा एक एम्प्लॉय मिल जाए. अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम भी क्रिएट है. यू कैन सी इन केस ऑफ द गवर्नमेंट फॉर्म्स एंड वैकेंसीज, फॉर अ फ्यू वैकेंसीज एंड नंबर ऑफ फॉर्म्स आर गोइंग टू बी अप्लाइड बाई द एप्लीकेंट्स. दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पॉपुलेशन का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. नेक्स्ट प्रॉब्लम आती है पॉवर्टी की, पॉवर्टी गरीबी. जब देश का अपनी देश की बात छोड़ो, अपने घर की बात करो, यदि घर में फैमिली साइज बहुत बड़ा होगा, अर्निंग का रेशियो एक लिमिटेड रिसोर्स होता है, तो व्हाट विल हैपन? पॉवर्टी विल बी देयर. व्हाट द बेसिक फैसिलिटीज, लग्जरीज, और जो हमारे जो कम्फर्टेबल जोन की चीज़ें होती हैं, हम उसे अरेंज ही नहीं कर पाते बिकॉज नंबर ऑफ मेम्बर्स आर टू मच. तो एवरीबडी इज जस्ट exhausting the resources, so definitely poverty will be there. Same things are applied for the country point of view. When the country population is too much, so how the government can support each and every individual of this nation? Like, the poverty will not happen. So, these are all things that are generated by population explosion. Next, आता है हमारा इसमें illiteracy. ऐसा अक्षर जिसे हम कहते हैं हिंदी में इलिटरेसी को जनरेट होती है. अब आप खुद ही सोचिए कि फैमिली में आपके ही 4 से 5 बच्चे हैं, तो कैसे हम सारे बच्चों को आप एक अच्छे पब्लिक स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे? दैट इज़ अगेन बिग प्रॉब्लम. तो इलिटरेसी जनरेट होगी, तो पहले भी होता था, पॉपुलेशन साइज इतना ज़्यादा होता था, आउट ऑफ द 4 to 5 ओनली फ्यू पीपल आर स्टैंडिंग देयर. द स्टेट्स टू अ गुड एजुकेशन सिस्टम एंड अदर्स आर लाइक गेटिंग एजुकेशन, नॉट गेटिंग एजुकेशन, व्हाट द थिंग्स आर गोइंग ऑन, इट इज़ नॉट टोटली मॉनिटरिंग बाय द कम्युनिटी. तो इलिटरेसी की प्रॉब्लम भी क्रिएट होती है. नेक्स्ट पॉइंट इसमें हमने लिखा है पुअर हेल्थ. हेल्थ इशूज़ आएंगे. हेल्थ इशूज़ क्यों आएंगे? हम उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं दिलवा पाते, पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़, या फिर उनको जो बैलेंस डाइट है, न्यूट्रिशंस है, या फिर आप उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या फैट है आपका, या फिर उसमें आपका वाइटामिन है, हम सारी एक बैलेंस डाइट अपने किड्स को प्रोवाइड नहीं कर पाते. हम नेक्स्ट इम्पैक्ट देखते हैं कि इकनॉमी पर इम्पैक्ट देखते हैं, तो इकनॉमी में तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जैसे कि फूड को लेके, शेल्टर्स को लेके, क्लोथ्स को लेके, ऑक्यूपेशन को लेके, सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है. तो इफ यू टॉक अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सो देर इज अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. आई एम नॉट टेकिंग सिंग अबाउट द पॉपुलेशन, आई एम वर्ड यूजिंग पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. एक्सप्लोजन मतलब व्हेन द लेवल इज गोइंग टू बी एनलार्ज, बिग, और द हायर साइड एज कम्पेयर टू द नॉर्मल रेंज. नॉर्मल रेंज से जैसे ही पॉपुलेशन का साइज बढ़ना शुरू होता है, तो इट मीन्स ऑल दीज प्रॉब्लम्स वी आर जस्ट फेसिंग. एज द फर्स्ट पॉइंट वी डिस्कस अबाउट द व्हाट इट इज़ ओवर पॉपुलेशन. जनसंख्या का जो साइज है उसका शुरू होता है ओवर था. उसका हमने कौन सी बात की? इसमें अनएम्प्लॉयमेंट, फिर इसमें बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाती है. थर्ड हमने कौन सा पॉइंट लिखा है? इसमें इलिटरेसी. इलिटरेसी यानी एजुकेशन की प्रॉब्लम हम शुरू जाती है. पॉवर्टी, गरीबी की समस्याएँ शुरू होती है. पुअर हेल्थ, पुअर हेल्थ की प्रॉब्लम आनी शुरू जाती है. और साथ में कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी हमारी डिस्टर्ब होनी शुरू हो जाती है. तो दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ऑन इंडियन इकोनॉमी. तो ये टॉपिक जब भी आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, तो वहाँ पे इफेक्ट्स को भी आपको देखना पड़ेगा कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की हमारी इकोनॉमी के ऊपर कैसे इफेक्ट्स पड़ते हैं? नेगेटिव. डिटेल्स ऑलरेडी वी हैव सेंड थ्रू द क्लास नोट्स, गाइस प्लीज गो थ्रू दिस.